है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूं सुमित और आज हम यहां पे अनबॉक्सिंग या रिव्यू करने वाले हैं यहां पे रियलमी C2 का, जो है काफी बजट स्मार्टफोन। यहां पे 6000 रुपीस के रेंज में आ जाता है दोस्तों, देख सकते हैं रियलमी की ब्रांडिंग। दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो हमको यहाँ पे फ्रंट साइड में मिल जाता है यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जो है 80% बॉडी रेशियो के साथ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे लगता है दोस्तों ये स्मार्टफोन। कॉर्निंग और गोरिल्ला ग्लास 6 का यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, सो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार ये स्मार्टफोन है दोस्तों। यहाँ पे 6 इंच की हमको यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है, काफ़ी HD हाई क्वालिटी की 1080p की यहाँ पे डिस्प्ले दोस्तों। बैक साइड की बात करें तो हमको यहाँ पे ड्यूल कैमरा मिल जाता है दोस्तों, रियर कैमरा जो 16 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर हमको मिल जाता है विद फ्लैश लाइट। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड की है दोस्तों, जो रियर कैमरा से क्लिक की गई है। और फ्रंट कैमरास की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, सो फ्रंट में सिर्फ एक ही कैमरा है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का। उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों। अगर स्मार्टफोन के बॉडी की बात करें तो हमको यहाँ पे प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्होंने स्पेसिफिकेशन हमको दिखा रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रोसेसर मीडियाटेक का यूज़ किया गया है। सो दोस्तों इस फ़ोन का टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉयड का 9.0 पाई वर्जन, जिसको पैचअप किया गया है कलर ओएस 6 के साथ। कलर ओएस ये जो यहाँ पे रियलमी की खुद की यहाँ पे एक ओएस है, सो यहाँ पे कलर ओएस के कारण यहाँ पे फ़ोन का जो परफॉर्मेंस काफ़ी बूस्ट हो गया है दोस्तों। गेमिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे गेम्स मैंने जैसे एसफाल्ट 3 खेल के देखा दोस्तों इसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लैग्स देखने को मिले। बट यहाँ पे पबजी और यहाँ पे अगर कोई शूटिंग के नॉर्मल जो गेम है तो उसमें फ़ोन ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेता है दोस्तों। यहाँ पे बढ़िया नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमको ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर अगर आप यहाँ पे डे टू डे यूज़ के लिए फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे 16 GB इंटरनल हमको मिल जाती है 2 GB वेरियंट के साथ, तो 32 GB की इंटरनल हमको मिल जाती है 3 GB की वेरियंट के साथ दोस्तों। सो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस फ़ोन का। यहाँ पे अगर हम गेमिंग को साइड में रखेंगे और डे टू डे लाइफ की अगर बात करेंगे तो, और साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है दोस्तों। और डिस्प्ले की जो बॉडी रेशियो दोस्तों 80% का एस्पेक्ट रेशियो के साथ आया दोस्तों। ये स्मार्टफोन जो है हमको यहाँ पर 2 कलर में मिलता है, ब्लू डायमंड और एक ब्लैक डायमंड। दोनों कलर यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लगते हैं दोस्तों यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे ब्लैक वाला कलर यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसकी जो लुक्स है वो काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम लगती है। देख सकते हैं आप हाथ में पकड़ने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख जाता है बैक साइड में जो डायमंड पैटर्न है वो यहाँ पे शाइन करता है दोस्तों। और फ्रंट साइड में हमको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक नॉच डिस्प्ले के कारण काफ़ी बढ़िया यहाँ पे प्रीमियम से लुक मिल जाता है दोस्तों, जो इस फ़ोन को यहाँ पे प्राइस बढ़ा देता है दोस्तों। सो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।